बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसर। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने यूनिट नंबर 9 को ख़त्म कर लिया था। चलिए हम एक बार फिर यूनिट नंबर 9 के मेन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इन यूनिट नंबर 9, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ मेटल्स। अ मेटल इज़ एन element which loses an electron and form a cation. Now what is non-metal? A non-metal is an element which gain electron to form an anion. Okay? Second, we discuss about electropositive character and its variation in periodic table. The tendency of an element to lose electron and form positive ion is called electropositive character, or it is also called as metallic character. And if we see that the variation of metallic character in periodic table, we see that from left to right, from top to bottom in a group, electropositive character increases because atomic size increases, while in a group electropositive character decreases because nuclear charge increases and atomic size decreases. We also discuss some of the very important chemical reaction of halogen with oxygen, metal, non-metal and some other compound. Halogen react with oxygen to form monoxide, fluorine monoxide and dioxide, while other halogen form oxide like dichloroheptoxide and tribromo octaoxide, while halogen react with metal to form ionic halide. Okay, while halogen react with non-metal, they form covalent halide. Note this, it is very important. When halogen react with metal, they form ionic halide. When react with non-metal, it form covalent halide. And a displacement reaction. When a more reactive halogen will displace a less reactive halogen from its halide solution is called displacement reaction. And the order of displacement of halogen decreases down the group. Like fluorine is more oxidizing power as compared to chlorine, and chlorine is more as compared to bromine, etc. So now student, in this lecture, first of all we discuss about the MCQs, then short question and long question. Choose the correct option. First, bromine is non-metal in dash state. Bromine aapke paas किस स्टेट में है? तो स्टूडेंट आप याद रखिए, मैंने आपको फिजिकल स्टेट ऑफ हेलोजन बताई थी कि आपके पास फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस में होते हैं, ब्रोमीन सिर्फ लिक्विड में होता है और एस्टाटीन और आयोडीन सॉलिड में होते हैं। तो यहाँ पे ब्रोमीन का पूछा हुआ है, तो हमारे पास ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है। ओके, सेकेंड वन, हेलोजन रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म। अभी मैंने आपको रिपीट करवाया कि हेलोजन जब भी मेटल के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं। हेलोजन व्हेन रिएक्ट विद मेटल दे फॉर्म हैलाइड। सो करेक्ट ऑप्शन इज हैलाइड। ओके, थर्ड, अल्कली मेटल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ऑल ऑफ दी अबव। कौन से हो सकते हैं? डियर स्टूडेंट, आपको ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट जब मैंने समझाया था तो उस टाइम मैंने आपको ये बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर रिड्यूसिंग एजेंट एंड आर दो सब्सटेंस विच कैन लॉज इलेक्ट्रॉन। एंड यू नो दैट अल्कली मेटल कैन ईजीली लॉज इलेक्ट्रॉन, सो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, दे कैन नॉट बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन गेन इलेक्ट्रॉन एंड दे कैन लॉज इलेक्ट्रॉन, सो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज रिड्यूसिंग एजेंट। फोर्थ ब्लैंक्स आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है, बहरहाल मैं नेक्स्ट, द हैलोजन प्रेजेंट इन अ सॉलिड फॉर्म इज, अभी मैंने रिपीट करवाया कि सॉलिड फॉर्म में हमारे पास आयोडीन और एस्टाटीन होते हैं। आप देख लें, आयोडीन हमारे पास है, एस्टाटीन नहीं है, तो आयोडीन इज़ करेक्ट ऑप्शन। सेकंड, टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू लॉज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, अभी मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल की डिफिनीशन करवाई एंड देन इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर की डेफिनेशन करवाई। ओके, सो टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन
to form a cation is called electropositive character या electropositivity, or you can say that metallic character या तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके पास है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज़ करेक्ट ऑप्शन। इसकी जगह अगर मेटालिक करेक्टर होता या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता तब भी ये ऑप्शन करेक्ट होता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं हो सकता, इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं हो सकता, इलेक्ट्रोलिसिस भी नहीं हो सकता। द वर्ड अल्कली मीन एशिज, ओके, ये तो इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। द वर्ड अल्कली मीन एशिज, ओके। द ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम is oxide of calcium CaO। last time मैंने आपको repeat करवाया था कि हमारे पास ये कुछ हमारे पास पिछले यूनिट से कुछ कंसेप्ट वहाँ से आ रहे हैं, पिछले यूनिट से वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास मेटल के ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं। मेटल के ऑक्साइड हमारे पास एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं। तो इन दोनों में मैंने आपको लास्ट टाइम ये रिपीट करवाया था, इनके ऑक्साइड हमेशा के लिए हमारे पास बेसिक होते हैं, क्लियर। जबकि हमारे पास नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जबकि मेटल के बेसिक होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बेसिक, क्लियर। ये MCQs आपके सिलेबस में नहीं है, बहरहाल मैंने करवा दिए। दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर स्मार्ट सिलेबस एंड दिस इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड, ओके। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कली मेटल। तो आपको अल्कली मेटल्स का पता होना चाहिए। अल्कली मेटल आर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो हमारे पास अल्कली मेटल नहीं है? अल्कली मेटल अभी मैंने रिपीट करवाएं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन सा एलिमेंट नहीं है। सो रेडियम इज़ नॉट अल्कली मेटल, ओके। नेक्स्ट ये वाला भी आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, बहरहाल मैं करवा देता हूँ। दिस इज़ आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन योर स्मार्ट सिलेबस। ग्रुप टू एलिमेंट आर नेम्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल बिकॉज देयर ऑक्साइड आर बेसिक, देयर ऑक्साइड आर हाइड्रोक्साइड आर वाटर सोल्युबल, बोथ ए एंड बी, दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। बिकॉज ऑफ अर्थ क्रस्ट दीज आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। सो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे पास MCQs। चलें हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एटलीस्ट टू ग्रुप विच कॉन्टेन मेटालिक एलिमेंट। दो ग्रुप ऐसे बताएं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास मेटालिक एलिमेंट हो या सिंपल मेटल्स हो, ओके। सो स्टूडेंट, आपको ये पता है कि मेटालिक एलिमेंट हमारे पास ग्रुप वन और ग्रुप टू में पाए जाते हैं, विच इज़ आल्सो कॉल्ड इज अल्कली मेटल ऑफ ग्रुप वन ए एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑफ ग्रुप टू ए कॉन्टेन ओनली मेटालिक एलिमेंट, दे डू नॉट कॉन्टेन नॉन मेटल, ओके। ऑल दीज मेटल आर दीज एलिमेंट आर मेटल्स। सो योर आंसर शुड बी मेटालिक एलिमेंट ग्रुप वन ए एंड ग्रुप टू ए आर अल्कली मेटल आर अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकेंड क्वेश्चन नंबर एट, ओके। क्वेश्चन नंबर एट आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर है, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विद बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपने क्या करना है कि क्लोरीन की केमिकल रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिखनी है और इसको बैलेंस भी करनी है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन। आफ्टर दैट सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब कभी भी आपके पास क्लोरीन के साथ कंबाइन होते तो हमारे पास NaCl की फॉर्मेशन करवाते हैं, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करवाता है, इसके साथ सोडियम क्लोरेट जिसको हम कहते हैं NaClO, ओके, सोडियम क्लोरेट की फॉर्मेशन होती है और साथ में वाटर प्रोड्यूस हो जाते हैं। और आप इसको बैलेंस देख सकते हैं, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे हमारे पास 1 क्लोरीन, ये आ गया, ये आ गया, 2 सोडियम, 2 सोडियम, 2 क्लोरीन, 2 ऑक्सीजन, 1, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन। सो दिस इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9,
How does ionization energy's value vary in a group? हमारे पास ionization energy जो है student, ये हमारे पास group के अंदर किस तरह vary करती है. आपसे just group का पूछा हुआ है, मैं आपको group और period दोनों का revise करवा लेता हूँ. तो student, जब कभी भी आपके पास ionization energy का पूछें, जब कभी भी आपसे एटॉमिक साइज का, आयनाइजेशन एनर्जी का, शील्डिंग इफेक्ट का या किसी का भी पूछे, आपको ये डायग्राम बहुत हेल्प देती है. ये डायग्राम में आप देख सकते हैं एटॉमिक साइज का, आप पैटर्न देख सकते हैं पीरियडिक टेबल के अंदर कि एटॉमिक साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड डिक्रीजेस, क्लियर, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इट इंक्रीजेस. ओके, एटॉमिक साइज आपके पास ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आएंगे तो बड़ा होता जाता है, जबकि पीरियड वाइज लेफ़्ट टू राइट हम जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज़ छोटा होता है. एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड एटॉमिक साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस. ओके, नाउ वी सी दैट एटॉमिक साइज इज़ इनवर्स रिलेशनशिप विथ आयनाइजेशन एनर्जी. ये आपने आई थिंक पीरियडिक टेबल वाले पोर्शन के चैप्टर के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है हमारे पास, ये आप एटॉमिक साइज के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है इसका. मतलब जितना एटॉमिक साइज बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी, और जितना आयनाइजेशन जितना आपके पास साइज छोटा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी. आप खुद बता सकते हैं कि यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा और यहाँ पर. We see that from left to right atomic size decreases, and when atomic size decreases, ionization energy should be increases, and when when atomic size increases, ionization energy decreases, because ionization energy is inverse relationship with atomic size. So this is the answer of question number 9. Now move towards question number 10. What happened during displacement reaction in halogen? अगर हम halogen की बात करते हैं student, तो halogen में displacement reaction क्या होता है, कैसे होता है? Last time ये मैंने अभी मैंने इसको repeat भी करवाया था. When a more reactive halogen will displace a less reactive halogen from its halide solution is called displacement reaction. And the order of reactivity of halogen is fluorine is more electronegative as compared to chlorine, and chlorine is more electronegative than bromine, and bromine is more as compared to iodine, and iodine is more than astatine. अगर आपके पास electronegativity का order ये है तो हमारे पास displacement या reactivity का order भी यही होना चाहिए. आप देख सकते हैं यहाँ chlorine is more electronegative than bromine, तो यहाँ इसको replace कर रहे हो और आपके पास sodium chloride और bromine बना रहे. अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, तो आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सिर्फ इंक्लूड है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है, और इनको हमने ऑलरेडी टॉपिक वाइज डिस्कस कर लिया है. डिफाइन मेटल एंड नॉन मेटल एंड कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ बोथ फिजिकल एंड केमिकल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. सो मैंने आपको मेटल डिफाइन किया था, उसकी केमिकल, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी की सारी आपको डिस्कस करवा दी थी. सो नेक्स्ट इज हैलोजन आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, राइट डाउन हैलोजन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मेटल, नॉन मेटल एंड अदर कंपाउंड. इससे पिछले लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन के ऊपर पूरा लेक्चर दिया था, जिसको मैंने हर उस लेक्चर के अंदर हर इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर दिया था. हैलोजन की प्रॉपर्टीज़ लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सब के साथ इसकी रिएक्शन को डिस्कस कर लिया था. तो स्टूडेंट आज के साथ इसी के साथ आपका ये यूनिट भी और आपका ऑल कोर्स भी कम्प्लीट हो जाता है. तो इंशाल्लाह हम इसके बाद रवीन स्टार्ट करेंगे. रवीन से पहले स्टूडेंट, अभी आपको मैं एक बार फिर इस यूनिट के अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें थी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, उसको एक बार रिवाइज करवा लेता हूँ. डियर स्टूडेंट, इस यूनिट के मेन पॉइंट अगर हम बनाएं तो हमारे पास सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं. इन दोनों के अंदर आपको फ़र्क का पता होना चाहिए. ओके, सो मेटल इज़ ऑल दोज कंपाउंड ऑल दोज एलिमेंट्स ऑल दोज सब्सटेंस विच कैन इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म केटायन इज कॉल्ड मेटल्स. ओके, एंड नॉन मेटल इज़ दोज एलिमेंट विच कैन ईजीली गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन इज कॉल्ड नॉन मेटल. ओके, बिसाइड दिस आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए कि मेटल आर मेलेबल, मेटल आर डक्टाइल, दे कैन पास इलेक्ट्रिक करंट एंड हीट,
and they are good conductor of heat and electricity. Okay, while non-metal are bad conductor of heat and electricity. They are not malleable, they are not ductile. So ये सारी properties आपको metal और non-metal की पता होनी चाहिए. After that, second, electronegative character versus metallic character. अक्सर इस पर भी शॉर्ट नोट आता है पेपर्स के अंदर कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मेटालिक करेक्टर. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर इज़ द मेजर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इट सेल्फ इन अ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर. वाइल मेटालिक करेक्टर आर दोज करेक्टर इन विच एन एलिमेंट कैन ईजिली लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ केटाइन इज कॉल्ड मेटालिक करेक्टर. बिसाइड दिस आपसे ये भी पूछा जा सकते हैं कि राइट डाउन द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव राइट डाउन द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इन अ पीरियड्स एंड ग्रुप. तो अभी मैंने आपको ये भी रिपीट करवाया कि इन अ ग्रुप्स मेटालिक करेक्टर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीजेज बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेज बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेज. नेक्स्ट हेलोजन एंड इट्स केमिकल रिएक्शन. डियर स्टूडेंट अक्सर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोजन के ऊपर नोट आता है कि लेट्स हेलोजन की रिएक्शन करवाएं आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है या मेटल के साथ नॉन मेटल के साथ हेलोजन की रिएक्शन करवाएं. तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है. व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट then it is called displacement reaction. Okay, next reaction with metal. Whenever halogen react with metal, it form metallic halide. Okay, and when halogen react with non-metal, it form covalent halide. Okay, and reaction with sodium hydroxide. When रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट डिस्कस कर दिया. अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आता है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन कर लें सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर के साथ. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब भी क्लोरीन कंबाइन होते तो आपके पास वाटर की फॉर्मेशन होती है, साथ में NaCl की फॉर्मेशन होती है और साथ में एक थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जिसको हमने NaCl को उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड जिसको हमने नाम दिया था. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इट्स इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोजन. नाउ स्टूडेंट कम टू द होमवर्क. योर होमवर्क इज राइट डाउन ऑल द शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर नोट्स ऑन वर्कशीट. आपको जो नोट्स गिवन है मैंने तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जस्ट एक्सप्लेन किए और उसके कुछ मेन पॉइंट लिखे थे. आपने क्या करने इन शॉर्ट क्वेश्चन को अपने नोट से अपनी वर्कशीट के ऊपर लिखने. ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क. ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़.